हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली टिप्स। सो गाइस, आज है व्लॉग नंबर 4 और हम जा रहे हैं पहलगाम। और पहलगाम आप सभी जानते हैं ये कश्मीर में ही लोकेटेड है। और कैब में हम जा रहे हैं, ये हमारे होटल की ही कैब है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एंड जाने से पहले एक स्टॉप आता है जहाँ पर एप्पल वैली है। और ये एप्पल वैली है, आपको फ्रेश एप्पल के जूस मिलेंगे वहाँ पर। पहले एप्पल जूस एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे पेरेंट्स एक्चुअली कैमरा शाय हैं, तो वो मतलब स्क्रीन पे आना नहीं चाहते, वरना मैं उनको डेफिनेटली शूट करके आप सभी के साथ बताती दोस्तों। सो ये फ्रेश जैम भी वहाँ पे अवेलेबल है। सो हमने ये जैम एक लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को जैम बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतनी पसंद नहीं है। एंड दिस एप्पल जूस वॉज एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। मतलब नो शुगर था, पर कोई शुगर नहीं डाला था, इतनी मिठास थी ताज़े एप्पल्स में। और जो पीछे आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्रीज है, ये एप्पल ट्रीज ही है दोस्तों। तो विंटर्स में जो है एप्पल नहीं मतलब उगते हैं, ये समर्स के टाइम पे इनका मतलब मेन वो होता है। तो हमने ये बादाम ऑयल वहाँ पर मिल रहा था, और साथ में हमने वो टिप्सी जैम ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जैम पसंद है बहुत। और ये आगे का रास्ता है पहलगाम जाने का, आप ये देख रहे हैं। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस दोस्तों, इट वॉज एक्चुअली ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और ये हमने पोनी कर ली है, और पोनी में हम अभी जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए। और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था, मैं आप सभी से कहूँगी, मतलब ये एक्चुअली मतलब एक आपका दिल इतनी ज़ोर से धड़केगा ना, मतलब आपको लगेगा कि दिल लिटरली आपका मुंह पे आ गया है। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे ही मैंने एक्सपीरियंस किया था गाइस, मतलब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आपने कभी हिल क्लाइंबिंग गेम खेली है दोस्तों? नहीं खेली ना तो प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड करके वो देखिए। हिल क्लाइंबिंग में जैसे वो कार ऊपर नीचे जाती ना, ये पोनी उसी तरीके से ऊपर नीचे उसी तरीके से हो रही थी गाइस सेम। और ये बर्फीले रास्तों से जा रही है, एंड इट वाज लाइक लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, डर मगर बहुत ज़्यादा लग रहा था हमें उस वक्त। मतलब वो डर की जो लेवल थी ना, वो मतलब एकदम ऊपर तक पहुँची हुई थी। ये आप देख रहे हैं सब बर्फीले रास्ते हैं, पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है। ये देखिए नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब बहुत सुंदर नज़ारा था। पोनी में आपको थ्री साइट सीइंग्स की भी आपको मतलब वो चार्ज करेंगे, टोटल 5 या 6 पॉइंट्स रहते हैं। तो आप 3 पॉइंट्स जो है या तो उस तरीके की साइट सीइंग कर सकते हैं, या तो टोटल 5 पॉइंट्स की जो है आप उस तरीके से कर सकते हैं। हमने टोटल जितने भी पॉइंट्स थे 5 to 6 पॉइंट्स हमने वो सब विजिट किए थे दोस्तों। सो गई होगी वो रोज़ा, मुंह कवर्ड है। हाँ, हे चांद, हाउ आर यू? वेरी एग्जॉस्टेड हो रहे तू ही? मेरे को सारी मेडिसिन सन। ये देखो गाइस, ये देखो वाटरफॉल, ये ग्लेशियर में पानी गिर रहा है। ग्लेशियर था ये ना, ग्लेशियर थी, बर्फ पिघल के पानी गिर रहा है गाइस। आप लोगों ने वाटरफॉल देखा वहां नीचे, ऊपर ग्लेशियर का पानी है जो पिघल पिघल के गिर रहा है। कुछ कुछ रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, पानी है, पत्थर है, बड़े बड़े रॉक्स है, एंड दिस पोनी इज गोइंग थ्रू इट। मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पहले ही मेरी जान सूखी हुई है पूरी, दिल पूरा यहाँ पे आया हुआ है मेरा। ये देखिए रास्ते देखिए दोस्तों, ये देखिए अब वो पाइप से चढ़ेगा, मैं अभी फिलहाल थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। ये देखिए ओ माय गॉड आप लोग देख रहे हैं, यू गाइस आर वॉचिंग। आइए आप लोग डेफिनेटली इस चीज को एंजॉय कीजिए। हम लोग पहलगाम से, हम लोग ने ये पोनी पकड़ी है। एंड यू वांट टू से समथिंग गाइस, इट्स अमेजिंग। कुछ बोल, वेलवेट की चादर बर्फा दी, अच्छा लग रहा है। पूरा एक वेलवेट की चादर बिछाई हुई है बर्फ की, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल है नेचर का नाम ये, जो पेड़ों पे बर्फ अटकी हुई है, बहुत ही सिनेमैटिक नजारा है। ये देखिए गाइस, ये देखिए पेड़ों पे बर्फ जमी हुई है,
स्नोफॉल चालू हो गई है। हाँ हवा एकदम अलग है, पूरी बॉम्बे में ऐसी हवा कभी नहीं मिलेगी, ताजी फ्रेश। देख रहे हो, देखिए ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, वो देखिए। गुनिका इज ऑल्सो एंजॉयिंग। गुनिका का साउंड सुना आप लोगों ने दोस्तों। चलिए ये देखिए कितनी पतली लेन से निकाल रहा है ये, तो ये देखिए लेन, देखिए ये देखिए आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए कस के हाथ पकड़ना है, मेरे लिप्स पूरे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। चलिए मैं आपको अभी और आगे लेके चलती हूँ, और बात करने की ताकत नहीं रही मुझे, सांस चढ़ रहा है इस वक्त। बाय करो चांद, सी यू इन अ बिट। सो ये अभी हम आ गए हैं स्विट्जरलैंड में गाइज। यस दोस्तों, ये इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड इसका ये नाम है ये जगह का, आप देख रहे हैं। और बाकी के भी जितने भी मतलब टूरिस्ट थे सब लोग यहाँ पे रुकते हैं, एक्चुअली हर एक पोनी यहाँ पे रुकती है क्योंकि ये एक स्टॉप है साइट सीइंग का ही। तो ये मिनी स्विट्जरलैंड है, और इंडिया में ऐसा नज़ारा आपको, फॉरेन का नज़ारा आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये देखिए नज़ारा देखिए दोस्तों, इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मतलब जन्नत के नज़ारे ना आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे आप पहलगाम आएंगे तो। ये देख रहे हैं आप, बर्फ़ ही बर्फ़, और हमसे ज़्यादा गुनिका एंजॉय कर रही थी गाइस, मतलब वो बर्फ़ पे वो लेटना चाहती थी। ये देखिए शी वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग इट। ये देखिए आप गुनिका को देख ही सकते हो, उसको चाहिए था मैं लेट जाऊँगी ठंडी बर्फ़ पे। और गुनिका को ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठंडा पीना और ये सब, बर्फ़ एंड ऑल उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है दोस्तों। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये अलग अलग आपको साइट सीइंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आगे कोई वैली भी आती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। सो चलिए आप आगे की वीडियो देखिए दोस्तों। ये देख के कुछ याद आया कि नहीं आप लोगों को, ये नज़ारा देखिए और सोचिए ये नज़ारा आपने कहीं पहले देखा है कि नहीं। अगर नहीं याद आ रहा है ना तो मैं आपको याद करा देती हूँ। दिल दिया गल्ला जानते हैं ना, वो बॉलीवुड सॉन्ग, वो यहीं पर शूट हुआ था और ये लोकेशन है उसकी, आप देख रहे हैं। यस गाइस, ये दिल दिया गल्ला जो मूवी आई थी पीछे सलमान की, उसमें जो गाना था ये यहीं पर शूट हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी दूसरी भी बॉलीवुड की शूटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वंडरफुल था। हमें टोटल 4.5 घंटे लगे हैं। यस गाइस, टोटल 4.5 आवर्स हमको लगे पूरी साइट सीइंग में। सो ये थी पहलगाम का ब्लॉग दोस्तों। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।